नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है पान सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं आओसीखे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आओसीखे यूट्यूब चैनल में पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में घंटे वाले बटन को जरूर दबा दें। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं आप किस प्रकार से मोबाइल से साधारण टिकट होता है ट्रेन का, यानी कि जनरल टिकट होता है, वो आप कैसे बुक कर सकती हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आप पूरा देखोगे तो हम आपको पूरी एक एक चीज़ बताएंगे जिसमें आपको समझ में आएगा जनरल टिकट यानी कि चालू टिकट कैसे बुक करते हैं, और हम टिकट बुक करके भी आपको दिखाएंगे एक डेमो। और फ्रेंड्स, वीडियो के आखिरी में हम आपको इस ऐप के संबंधित कुछ टिप्स देंगे, वो टिप्स अगर आप ध्यान रखोगे, अगर उसको फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए पहले वीडियो शुरू कर लेते हैं और हम आपको बता देते हैं कि टिकट कैसे बुक कर दिए। तो ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर में। फ्रेंड्स, प्ले स्टोर में जाएंगे आप सीधे, यहाँ पर आपको UTS ये वाला ऐप आपको फ्रेंड्स इंस्टॉल करना है। तो मैंने तो फ्रेंड्स ये इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो हम यहाँ से सीधा इसको ओपन करेंगे। तो चलिए, मैंने फ्रेंड्स इसको ओपन किया। फ्रेंड्स, हमारा ये ऐप ओपन हो रहा है। पहले तो मैं आपको फ्रेंड्स ये बता दूँ, जो अभी जैसे आपको पहले तो इसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको मोबाइल नंबर, अपना नाम, अपना पासवर्ड और ये सारी चीज़ें आपको उसमें फिलअप करनी पड़ेंगी। आपका पासवर्ड आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, तो आपका अकाउंट बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अकाउंट बनने के बाद आपको सीधे फिर आपको लॉगिन करना है। जैसे मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है तो हम यहाँ से सीधा लॉगिन करेंगे। हमने ऊपर अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, नीचे हम अपना पासवर्ड डाल लेते हैं। तो चलिए, मैंने अपना पासवर्ड डाल लिया है और यहाँ से हम सीधे इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम उसमें सीधे हो रहे हैं लॉगिन। ओके, तो फ्रेंड्स मैं सीधे इसमें लॉगिन हो चुका। अब आप देख सकते हैं ऊपर हमारे ऑप्शन आ रहे हैं, टिकट बुक टिकट कर सकते हैं, कैंसिल टिकट कर सकते हैं, और बुकिंग हिस्ट्री, आर वॉलेट, प्रोफाइल, सो बुक टिकट, हेल्प, लॉग आउट। तो आपको इन पे कहीं ध्यान नहीं देना, हमको सीधे हम आपको बताने वाले हैं टिकट बुक कैसे करेंगे। तो हम सीधे ऊपर वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, हमारे सामने फिर चार प्रकार के ऑप्शन आएंगे, नॉर्मल टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट, क्विक बुकिंग, रीजनल टिकट, सीजन टिकट्स। तो हम केवल आपको नॉर्मल टिकट पे बुकिंग करेंगे क्योंकि प्लेटफॉर्म टिकट मेरे को बुक करना नहीं है, हम आपको डेमो करके दिखाएंगे यहाँ पर। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो ऊपर आ रहा है, ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है तो बुक एंड ट्रेवल। ओके, तो इस ऊपर वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप उसको बुकिंग कर सकते हैं और आपसे इसे ट्रेवल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नीचे दिया हुआ बुक एंड प्रिंट पेपर, यानी कि इस जो दूसरा वाला ऑप्शन है, अगर इससे टिकट आप बुक करोगे आप, तो फ्रेंड्स नीचे लाल कलर के अक्षरों में लिखा हुआ है ट्रेवल विदाउट टिकट प्रिंट आउट ऑन पनिशेबल। जैसे यहाँ से टिकट बुक करोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा और नंबर ले जाके आपको प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा, और प्लेटफॉर्म पर पहुँचने के बाद आपको जो बड़ी बड़ी मशीन रखी रहती हैं वहाँ पर आपको वो नंबर डाल के प्रिंट आउट लेना पड़ेगा, तब ये फंक्शन काम करेगा। तो अपन को इसकी ज़रूरत नहीं, अपन सीधे चलते हैं पहले वाले ऑप्शन पर। ओके, तो चलिए पहले वाले ऑप्शन पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, फ्रेंड्स ये ध्यान रखें आपके पास जो स्टेशन हो गए, जो स्टेशन के एरिया में हो गए आप, तो यहाँ पर स्टेशन का नाम आएगा। मेरा मकान स्टेशन के एरिया में है तो हमारे सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, ग्वालियर और बिरला नगर, दो स्टेशन हमारे यहाँ पड़ते हैं ग्वालियर में। तो चलिए पहले हम पैसेंजर का टिकट बुक कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, छोटा सा टिकट डेमो के लिए बुक कर दे। तो मैंने बिरला नगर स्टेशन डाला और हमारी तरफ एक जो गाड़ी जाती है पैसेंजर, तो उसको हम सीधा बुक करते हैं टिकट वहाँ का। ओके, तो मैंने सीधा वहाँ का टिकट बुक किया और स्टेशन डाल दिया, मैंने सीधे डन पे क्लिक कर दिया। फ्रेंड्स, क्लिक करने के बाद आपके सामने टिकट जैसे कितने बुक कर रहे हो तो वहाँ पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4। ओके, तो चलिए मैं एक रहने देता हूँ, बच्चे का बुक कर सकते हैं, चाइल्ड लिखा हुआ है। ओके, तो ये कई सारी चीज़ें उसमें, पेमेंट कैसे करोगे, आर वॉलेट और या अदर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI जो भी है। तो मैं डेबिट कार्ड पर रहने देता हूँ, तो मैंने चेंज कर दिया। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं सीधे ओके पे हम क्लिक कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके पे क्लिक करने के बाद आपके सामने देख सकते हैं सीधा किराया लिख के आ चुका है और कहाँ से कहाँ जाना है वो स्टेशन भी आ गया। तो हम बुक टिकट पे हम क्लिक कर देते हैं। ओके, तो टिकट बुकिंग अंडर प्रोसेस, तो ये हमारी प्रोसेसिंग चल रही है, तो हम इसको प्रोसेसिंग को पूरा होने देते हैं। फ्रेंड्स, इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है बुक टिकट होने में। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखें, वीडियो के आखिरी में हम कुछ महत्वपूर्ण टिप्स बताएंगे, उनको ज़रूर ध्यान रखें वरना आप टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें पहले तो, और वीडियो के आखिरी में जो महत्वपूर्ण टिप्स हैं उनको ज़रूर सुनें।
तो चलिए पहले तो इसको हम प्रोसेसिंग पूरी होने देते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी प्रोसेसिंग पूरी हो चुकी है, हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं आप पेमेंट कैसे करेंगे, पेटीएम से, मूवीजिक से या फ्री रिचार्ज से। तो मैं पेटीएम पे क्लिक कर देता हूँ और मेक पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं सीधे सर। तो फ्रेंड्स आपके सामने ऑप्शन आ चुके हैं इस प्रकार से। तो आप चाहे तो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं पेमेंट या भीम ऐप से कर सकते हैं। तो भीम ऐप पे मैंने जैसे क्लिक किया तो आप भीम ऐप से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, ओके क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग किसी से भी कर लो। तो चलिए मैं डेबिट कार्ड से दिखाता हूँ करके। तो हम डेबिट कार्ड नंबर अपना डालेंगे। फ्रेंड्स अगर बुकिंग आप आर वॉलेट से करोगे तो बहुत फास्ट होता है, आपको ये क्रेडिट ये नंबर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है डेबिट कार्ड की, तो वो भी हम आपको बताएंगे वीडियो क्या करेंगे। चलिए पहले टिकट बुक कर लेते हैं। तो मैं डालता हूँ फ्रेंड्स CVV नंबर डालने के बाद मैंने सीधे कर दिया क्लिक। हमारे पास एक OTP आएगा ये कन्फर्मेशन के लिए। तो हमारे पास ये OTP आएगा अभी इस हमारे इस नंबर पे। तो चलिए हम वेट कर लेते हैं। तो हमारा OTP आ चुका है 7549 47। ओके तो हम डाल देते हैं 7549 47। तो मैंने OTP डाल दिया और मेक पेमेंट पे जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया। तो फ्रेंड्स ये हमारी प्रोसेसिंग हो रही है। ओके फ्रेंड्स तो हमारा ये टिकट हो चुका है बुक्ड पूरा। ओके तो चलिए देख आप देख सकते हैं यहाँ पर टिकट पूरा बुक हो चुका है। तो चलिए सीधे हम यहाँ पर ये टिकट्स में लिखा रहा है 3 वर्ष तक ये काम करता है फर्स्ट ट्रेन। तो चलिए इसको हम सीधा आपके सामने इस प्रकार का मैसेज आएगा ये ध्यान रखें। चलिए मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स सीधे हम यहाँ से इसको एग्ज़िट कर देते हैं। अब फ्रेंड्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हम आपको बात बताने वाले हैं ये ध्यान रखें। अगर आपके पास आपको लगता है कि आपका टिकट बुक हो गया, ओके पहले तो मैं आपको टिकट शो करा देता हूँ। चलिए मैं ये शो टिकट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये टिकट आ चुका है। ओके फ्रेंड्स ये आपके सामने टिकट है, आप इसका टिकट को दिखा दोगे। अब फ्रेंड्स अब आपके सामने कंडीशन रहेंगी। कंडीशन क्या रहेगी, जैसे आपको लगता है कि ये इंटरनेट नहीं चलेगा तो ये काम नहीं करेगा। चलिए मैं आपको यहाँ पर बाहर निकल के दिखा देता हूँ। और बाहर निकल गया और मैंने इसको इंटरनेट को डाटा को मैं ऑफ़ करूँगा। ये मेरा इंटरनेट डाटा है, मैंने इसको सीधा ऑफ़ कर दिया। फ्रेंड्स इसको ध्यान रखें। ऑफ़ करने के बाद चलिए हम चलते हैं दोबारा इस ऐप में। मैं ऐप में गया फ्रेंड्स, ऐप में जाने के बाद ऐप को ओपन कर लेते हैं। ऐप को ओपन करने बाद सीधे यहाँ पर लिखा है आप इसको ऑफलाइन चलाना चाहते हैं, तो ऑफलाइन पे मैंने क्लिक कर दिया और शो टिकट। ओके फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये टिकट आ चुका है। फ्रेंड्स ये इसलिए है क्योंकि ये मैं इसलिए आपको दिखाया पूरा टिकट क्योंकि फ्रेंड्स हो सकता है आपके सामने आपको ऐसा लगे कि टिकट मेरा बुक हो जाएगा, इंटरनेट बंद हो जाएगा, तो हम इस टिकट को शो नहीं कर सकते। फ्रेंड्स ये टिकट आपका बुक एक बार हो चुका है, इसको ऑफलाइन दिखा सकते हैं TT को, आपको TT पकड़ेगा नहीं। अब फ्रेंड्स चलते चलते मैं आपके लिए ये टिप्स ज़रूर बताऊँगा। फ्रेंड्स पहले तो आप ये समझ लें कि आप ऐसा नहीं है कि प्लेटफॉर्म पर पहुँच जाएँगे उसके बाद टिकट बुक कराऊँगे। फ्रेंड्स आपका टिकट बुक नहीं होगा क्योंकि ये जो स्टेशन का GPS एरिया है उसके बाहर ही टिकट बुक कर सकती हैं। और फ्रेंड दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि आप ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं और आपके सामने TT आ गया तो आप जल्दी से फटाफट से टिकट को बुक कर लें, फिर भी नहीं कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स तो ये 2 टिप्स हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। और फ्रेंड्स टिप्स मैं आपको एक और बताना चाहूँगा, अगर इसका पेमेंट आप आर वॉलेट से करते हैं तो बहुत ही फास्ट कर पाएंगे क्योंकि इसमें आपको कार्ड नंबर CVV नंबर डालना पड़ेगा, OTP आएगा, OTP डालने के बाद उसको वेरिफिकेशन रहता है, तो वो नहीं आपको जल्दी कर सकते हो। कैसे करेंगे थोड़ा मैं वो भी बता देता हूँ फ्रेंड्स आपको। तो चलिए मैं नेट डाटा मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। पहले मैंने डाटा ऑन कर लिया। ओके फ्रेंड्स ऑन करने के बाद चलिए आर वॉलेट पे। ओके फ्रेंड्स आर वॉलेट पे जाएंगे तो रिचार्ज पे सीधे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स रिचार्ज पे क्लिक करेंगे साहब सीधे, और रिचार्ज पे क्लिक करने यहाँ पर आप अमाउंट डाल सकते हैं 100, 200, 300, 10,000 तक यहाँ पर डालोगे आप। जैसे ही रिचार्ज पे जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो आपका ATM नंबर या जैसे मैंने इस पे डाल दिया 100 रुपये, आपको मैं डेमो में दिखा देता हूँ। 100 रुपये डाला और मैं रिचार्ज पे जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप यहां से इसको पेमेंट कर सकते हैं, सीधा आपके आर वॉलेट में पैसे पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स आर वॉलेट में पैसे पहुंच जाएंगे, फिर आप पेमेंट जल्दी जल्दी कर सकते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स बहुत ही मज़ेदार ऐप है। और फ्रेंड्स अब मैं आशा करता हूं आप हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे।
ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स आप शेयर ज़रूर करिएगा और इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके फ्रेंड्स, अगर आपके में टिकट बुक नहीं हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएँ, और आपको टिकट बुक हो रहा है तो वो भी ज़रूर बताएँ। तो बस मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉच, गुड बाय।